Today I have come with my 10th lecture video, subject history, chapter 1. We have, in previous lecture video, we have learnt this chapter clearly. Now today is the turn to solve the all question answer. Now in this turn you must open your book, page number 11, question number A, which is MCQ. It means multiple choice question, bahu vikalpiye prashna. You take your pencil and write the answer. Question number 1 is an area. See in your book, an area where rice was grown on ancient India. Option, there are 4 options in which the right answer is option C, north of the Vindhya. North of the Vindhya, option C. Tick your answer. Now, second question. Written sources were mainly found on. Written sources मुख्यतः पाए जाते थे. 4 options हैं. Option A, palm leaves. B, wood. C, oak. D, none of the above. You know its answer, that the right answer is option A, palm leaves. Now, question number 3. Dash language was not used in old books. ओल्ड बुक्स में ये भाषा नहीं थी. 4 ऑप्शंस हैं. आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी. द सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट अराउंड द. 4 ऑप्शंस आर गिवेन. ऑप्शन ए लैंड, बी रिवर्स, सी हिल्स एंड डी नॉन ऑफ द एबव. राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिवर्स. Now, question number 5. The early people who gathered their food are called. Option A, farmers. B, merchant. C, skilled gatherers. And D, hunters. Its right answer is option C, skilled gatherers. Now, it is the turn of fill in the blanks, question number B. See in your book and write, fill in the blanks with pencil in your book. The book of the birch tree was used to prepare. Dash, records. Records banane ke liye palm leaves ka use karte the. Sources of history can be broadly divided into dash and dash. Sources of history can be broadly divided into, you know that, literary and archaeological sources. Now, third question. The name India was given by the two countries, dash and the Greeks. So, dash mein aap Iranians bharein. ईरान के रहने वाले ईरानियंस. फोर्थ क्वेश्चन. इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक पिलर्स, रॉक स्लैब्स एंड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स. हैव यू रिटन? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज सी स्टैंड फॉर. सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा. कॉमन एरा. एंड सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्टिफैक्ट्स कम अंडर डैश सोर्सेज. तो आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज राइट आंसर. नाउ इट इज द टर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग. यू कैन राइट इन कॉलम 1, question number 1, and here you write its option number E.
लाइक दिस। मैन्युस्क्रिप्ट्स उसको ई से मैच करें, हैंड रिटेन। प्री हिस्ट्री नॉट, सेकेंड नंबर इज प्री हिस्ट्री, इसका राइट आंसर सी नॉट रिटेन। वेद यू नो डैट अथर्व इज ए वेद विच इज इन बी। क्वेश्चन नंबर फोर मोनूमेंट्स, इसे आप एफ से मैच करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर फाइव आर्टिफैक्ट्स, हियर इज आर्टिफैक्ट्स एंड इट इज मैच विथ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर ए डी इन कॉलम बी ऑप्शन डी एस्किवेशन। आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इन एस्किवेशन, जमीन की खुदाई में ये आर्टिफैक्ट्स उनके हाथ से बनाया हुआ सामान मिले थे। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज, हियर इज एन एब्रेविएशन ए डी हुज फुल फॉर्म इज आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट विच आर गिवेन इन ए। दैट्स ऑल। नाउ इट इज द टर्म ऑफ क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर डी। हियर इन क्वेश्चन नंबर डी स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज गिवेन, द ईरानियंस एंड ग्रीक्स कॉल्ड इंडिया भारत। क्वेश्चन नंबर वन इज द ईरानियंस एंड ग्रीक्स कॉल्ड इंडिया भारत, इट इज फॉल्स बिकॉज ईरानियंस एंड ग्रीक इंडिया लाइक इंडिया। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज द ईयर्स आर काउंटेड विथ रेफरेंस टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म को एक रेफरेंस मान करके ईयर्स को काउंट किया जाता है, इट इज ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन फा हियान, हियर रिटन फा हियान बट वी रीड इट फा हियान वॉज एन इंडियन ट्रेवलर, इट इज फॉल्स। एज यू नो दैट फा हियान वॉज ए चाइनीज ट्रेवलर। फोर्थ क्वेश्चन इज द गारो हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया, विच इज फॉल्स। यू नो दैट गारो हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट, इट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट, इट इज ट्रू। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर ई, इट इज शॉर्ट आंसर। नाउ यू ओपन योर कॉपी एंड राइट द आंसर वन बाय वन। आई ऑल्सो राइट इट्स आंसर ऑन द बोर्ड। थैंक यू। ओपन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, इन ओनली वन सेंटेंस यू राइट द आंसर। क्वेश्चन इज व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स, यू राइट द आंसर। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर वन नंबर, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज मगध फेमस, नाउ यू राइट द आंसर। मगध
वाज फेमस फॉर वेरी पावरफुल फॉर वेरी पावरफुल किंगडम्स किंगडम्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री? एज यू नो दैट हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इट्स आंसर इज हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट स्पेशली ऑफ द सोसाइटी स्पेशली। थर्ड क्वेश्चन, द एंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। नाउ इट इज टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। द क्वेश्चन नंबर फोर इज वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड? गारो हिल्स कहाँ स्थित है? द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द गारो हिल्स आर लोकेटेड, द गारो हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफाइन आर्कियोलॉजी। द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एंशियंट रिमेन्स, द स्टडी ऑफ एंशियंट रिमेन्स। Is called archaeology. Thank you. In next video, I write the answer of short answer question and long answer question in next video, lecture video number 11. Thank you.